हेलो दादा जी। हाँ बोलो बेटा बउआ। हाँ जी आओ हाथ पकड़ लो इधर आओ इस रूम में। हाँ इधर ले जाओ बेटा। हेलो हाँ. हाँ जी हेलो अंकल एक सेकंड इधर औंधे मुँह लेट जाओ। औंधे मुँह लेट गया बेटा। पाइल सुअ ना औंधे मुँह लेटो। हेलो हाँ जी कहाँ गैस पास कर रहे हैं आप? किससे बात करनी है? नहीं मेरे दादाजी हैं उनको लिटा रहा था। एक सेकंड रुकिए। बात किससे करनी? बात आप करनी है यार। बउआ बोलो सुनिए मेरे दादाजी ना जो भी सवाल पूछो ना फोकट में भड़क जाते हैं। बूढ़े लोगों की आदत। हाँ गुस्सा बेचारे गुस्सा करते तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो इसमें मैं क्या करूँ? आप भी हंसी का मजा लो। मैं जो दादे अरे हेलो मुझे कोई मजा नहीं है। फोन नहीं दिया। एक सेकंड सॉरी दादाजी। हाँ बेटा ये पंखा चल रहा है? हाँ बेटा पंखा तो चल रहा है। फिर अभी तक कहीं पहुंचा क्यों नहीं? चल ही रहा है बस। बेटा छत पे चलता है। अच्छा छत पे बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? नहीं अभी है मैं बउआ बोल रहा। दादाजी बेटा हम लोग के पांच ही लोग रहेंगे जीवन में हमेशा परिवार में? ना बेटा मैं मम्मी पापा गुड़िया और आप। नहीं तेरी शादी हो जाएगी छह हो जाएंगे बहू। छह हो जाएंगे बहू आ जाएगी। हेलो छह लोग कैसे? गुड़िया की भी शादी हो जाएंगी तब तो पांच ही हो गए। तेरे बच्चा भी तो पैदा होगा। बच्चा होगा तो छह हो जाएंगे। छह हो जाएंगे लेकिन आपकी भी तो उम्र होगी आप भी तो चले जाओगे। मैं नहीं कहीं भी जा रहा है। क्या मार नहीं जाओ। ये तेरे को कौन सिखा रहा? सिखाया नहीं। जब मम्मी पापा के बीच में रात को सोता हूँ तो उन लोग खुसुड़ फुसुड़ करते हैं। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता। नहीं बेटा नहीं बहू। बहू मुझे मारना? बहू नहीं वो तो चाह दिए कि बस आप खुद ही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है। एक सेकंड दादाजी। बोलो बेटा। अगर दो आदमी बात कर रहे हैं और कोई तीसरा बाहर वाला फोकट में मजे ले रहा सुन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे चूस है गधा कहते हैं। चूस सॉरी पता है दादाजी।